Hello everyone, good morning to all of you. Today we'll be discuss about block diagram of thermal power plant. तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि block diagram of thermal power plant. Thermal power plant में electricity कैसे generate किया जाता है. जैसे कि देखिए thermal power plant में electricity generate करने के लिए हम coal का use करते हैं fuel के रूप में. तो हम इसके main component and उसका प्रोसीड्यूर को पता करते हैं कि क्या होता है आखिर थर्मल पावर प्लांट में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है. तो देखिए थर्मल पावर प्लांट के थर्मल पावर प्लांट जानने से पहले हम उसके कई कंपोनेंट या उसके कई कंपोनेंट के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले हम कोल स्टोरेज देखिए. सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है जो कि एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने के लिए ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम कोल स्टोरेज एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर हम कोल का स्टोर करते हैं. और देखिए कोल स्टोर के बाद होता है कोल हैंडलिंग प्लांट्स. तो कोल हैंडलिंग प्लांट्स एक ऐसा प्लांट्स है जहाँ पर हम लोग कोल को क्रशिंग करते हैं पाउडर फॉर्म में. और पाउडर फॉर्म में किए हुए कोल को हम यूज करते हैं बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए. तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि फर्नेस के थ्रू उसको क्रशिंग कोल को फर्नेस में भेजा जाता है और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है. और जो ऐश पदार्थ बचता है तो उसे ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है और ऐश हैंडलिंग प्लांट से ऐश स्टोरेज में भेज दिया जाता है. और इसका यूज हम रोड के सतह में रोड में कर लेते हैं और कई ऐसे जगह हैं जहां पर हम ऐश का उपयोग कर लेते हैं. तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में मेनली कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है वह बॉयलर है. जैसे कि एक मानव शरीर में हृदय रोल प्ले करता है उसी प्रकार बॉयलर इन एक थर्मल पावर प्लांट के लिए है. देखिए थर्मल पावर प्लांट में ऐसे तो बहुत कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो बॉयलर माउंटिंग कहलाता है. अब देखेंगे हम उसको मेन कंपोनेंट या मेन प्रोसीड्यूर को बारे में जानेंगे कि आखिर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है. तो देखिए बॉयलर में हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. हम लोगों का मेन मकसद वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना ही है. जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से तो कुछ हानिकारक गैस भी निकलेगा क्योंकि वहाँ पर फ्यूल जल रहा है. तो फ्यूल जल रहा है तो देखिए उस फ्यूल को अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस का भी हम लोग यूज कर लेते हैं. कई ऐसे गैस निकलते हैं थर्मल पावर प्लांट में तो उसका यूज हम इस प्रकार करते हैं उसको सुपर हीटर में भेजते हैं. देखिए यहाँ से जो हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर सुपर हीटर में जाता है तो इसका पाइप जैसा एक अरेंजमेंट होता है. यहाँ से हम जो गैस अपशिष्ट गैस होता है इसी से गुजारते हैं और इसी से स्टीम को गुजारते हैं. इसमें पाइप अरेंजमेंट होता है और इस गैस को फिर इग्नोमाइजर में भेजते हैं. अब इसको इग्नोमाइजर को बाद में हम देखेंगे. अब यहाँ देखते हैं सुपर हीटर. तो सुपर हीटर से स्टीम जो आता है तो उसके वेलोसिटी और उसको काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ा देता है और उसके उसको वेलोसिटी और अधिक बढ़ जाती है. उसमें काइनेटिक एनर्जी भी अधिक हो जाती है. अब इस स्टीम को हम टरबाइन के पास भेजते हैं और टरबाइन को रोटेट कराते हैं. टरबाइन जब रोटेट करता है तो यह कपल्ड होता है जनरेटर शाफ्ट के साथ और जनरेटर में मैग्नेटिक एंड क्वाइल का अरेंजमेंट होता है जो फराडे लॉ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. देखिए यहाँ से जो स्टीम आता है उसको हम कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर से कूलिंग वाटर में जो कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है. यदि हमको वाटर की कमी महसूस होती है तो हम रिवर या लेक से वाटर को ले लेते हैं और फीड पंप के थ्रू उसको फीड वाटर हीटर में भेज देते हैं. अब यहाँ से फिर इकोनोमाइजर में भेजते हैं. देखिए जो हम यहाँ पर कूलिंग टावर से वाटर को लाए इकोनोमाइजर में फिर इसका जो गैस अपशिष्ट गैस है हम इसका यूज कर लेते हैं इकोनोमाइजर में. थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है इकोनोमाइजर में कूलिंग वाटर का और उस इंक्रीज वाटर को हम फिर बॉयलर में भेज देते हैं और फिर से इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है. फिर
यही क्रियाविधि अब होता है, होते रहता है। अब देखिए यहाँ से जब अपशिष्ट गैस आया, अपशिष्ट हजार्ड गैस आया, उसको फिर प्री हीटर में, एयर प्री हीटर में भेजते हैं। जो देखिए किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमको जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये देखिए फोर्स जो यहाँ से पंखा लगा हुआ होता है, यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर से हवा को घींचकर उसको बॉयलर में भेजता है। देखिए इस एयर को भी हम लोग थोड़ा गर्म कर देते हैं जहाँ से, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा आएगा तो इसमें कुछ मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर को यह कम कर देता है जिससे हमारा फ्यूल आसानी से जल जाता है। देखिए फिर इसको यहाँ से बाहर इसको पंप के थ्रू बाहर भेज देते हैं चिमनी में, और चिमनी से फिर यह चल जाता है एटमॉस्फेयर में। देखिए मेरा यही एक ब्लॉक डायग्राम है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसको नंबर वाइज भी नंबरिंग किया हुआ है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।